Hey everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में अगेन मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी. अगर आपको अपने स्किन पे रोज लाइक ग्लो चाहिए, मतलब अगर आपको अपने स्किन पे पिंकिश ग्लो चाहिए, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम नेचुरली अपने स्किन पे एक पिंक ग्लो ला सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के और वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी. तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमें इस रेमेडी को बनाना है है, और साथ ही मैं आपको इसे यूज करके भी दिखा दूंगी जिससे आप अच्छे से समझ जाए और एक डिफरेंस भी देख सके मेरे फेस पे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इस रेमेडी की बेस्ट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई. इस रेमेडी की बेस्ट बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है. साथ ही इसे हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, मतलब आपको एलर्जी का कोई टेंशन नहीं है. साथ ही रिजल्ट भी इसका 100% है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ. तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है. तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल ऑफकोर्स, क्योंकि हम रेमेडी बनाएंगे किसमें, और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ रोज पाउडर. बेस्ट होगा कि आप नेचुरल रोज का यूज करें, उसको आप सिंपली ब्लेंड कर लें. अब मेरे पास एक्चुअली नेचुरल रोज नहीं है, तो मैं पाउडर का यूज करती हूँ. तो आप भी पाउडर का यूज कर सकते हो, बट बेस्ट होगा कि आप नेचुरल रोज का यूज करो. तो रोज हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. रोज की ब्यूटी के लिए सब रोज को जानते हैं, तो अगर आप रोज को अपने फेस पे यूज करोगे तो ट्रस्ट मी, आप भी रोज की तरह ब्यूटीफुल हो जाओगे. क्योंकि रोज इनरिच होता है एंटीऑक्सीडेंट से, साथ में इसमें होता है विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन के, एंड इसमें होते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. तो ये हमारे स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है आप इसके प्रॉपर्टीज से ही जान गए. ये बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है. आप डेली बेसिस पे इस फेस मास्क को ट्राई कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप कोई रेमेडी नहीं भी बना सकते तो आप सिंपली रोज को ब्लेंड करके भी फेस पे अप्लाई करोगे तो ट्रस्ट में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा. अगर आपको फेयरनेस चाहिए तो आप सिंपली रोज मास्क को ट्राई करो, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे. साथ ही 100% सेफ है और ये हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं. तो साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून ऑफ हनी. हनी में भी होते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है. साथ ही हनी हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है. और समर्स में हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जिससे हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है अंदर से. तो उस कंडीशन में हमें हनी का यूज जरूर करना चाहिए अपने फेस मास्क में, जिससे हमारा स्किन जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग रहता है और वो दिखता भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ऑफकोर्स अगर आपकी स्किन अंदर से हेल्दी होगी तो ग्लो आपको नेचुरली बाहर दिखेगी. तो साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ रोज वाटर, या फिर जितना रोज वाटर आपको नीडेड है पेस्ट बनाने के लिए आपको उतना चाहिए. क्योंकि मैंने यहाँ पे रोज पाउडर का यूज किया, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे रोज वाटर का यूज कर रही हूँ. बेस्ट होगा कि आप फ्लावर का यूज करें. तो और जब आप फ्लावर को ब्लेंड करें तो आपको किसी चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है. सिंपली रोजेस को एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिए बिना कोई वाटर मिक्स के. बहुत ही अच्छा एक पिंक बहुत ही सुंदर सा पेस्ट बन के रेडी हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे फेस के लिए. तो ये रेमेडी जो है वो आप डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो. लाइक अगर आप चाहे तो आप इसे डेली भी लगा सकते हो, या फिर एवरी अल्टरनेटिव डे. तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही विजुअल इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा विद इन अ वीक. सो बेसिकली हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जो था वो कम्प्लीटली ऑप्शनल था. तो अगर आप चाहो, अगर आपके पास रोज वाटर ना हो तो आप सिंपली पानी से भी उसे पेस्ट बना सकते हो, या फिर अगर आप रोजेस का यूज कर रहे हो रियल रोजेस का तो आपको वाटर की जरूरत ही नहीं. तो हमें बस इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को लेके और अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो गया. आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये. एंड ट्रस्ट मी, इसे यूज करने के बाद आपकी स्किन में बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड रोजी पिंकिश ग्लो आपके स्किन पे आने वाला है. तो चलिए फटाफट मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ. करने के बाद
मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोइंग लग रही है, बट मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है इसको अप्लाई करने के बाद। रोज मास्क अप्लाई करने की बेस्ट बात यह है कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है इसमें। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से। दैट्स व्हाई समर्स में मैं रोज मास्क अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। और तो आप इसे हर सीजन में अप्लाई कर सकते हो, ये हमारे स्किन के लिए हमेशा ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बट समर्स में अमेजिंग काम करता है ये फेस मास्क। तो मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज आप समर्स चल रहे हैं तो इसे जरूर ट्राई करो, आप फैन हो जाओगे क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ ही बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, एज यू नो की फ्रेग्रेंस मुझे कितना ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज में। तो इस फेस मास्क की फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है, स्पेशली अगर आप फ्रेश रोजेस का यूज कर रहे हो तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी। और तो मैंने पाउडर पे यूज़ किया, स्टिल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है रोज वो पाउडर को यूज़ करना। तो मैं बहुत सारे मास्क ट्राई करते रहती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इसको अप्लाई किए हुए, तो मैंने सोचा कि अप्लाई कर ही रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आपको ये रेमेडी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप आपको अच्छी लगी हो और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आप इसे ट्राई कर ही रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को जान के। साथ ही शेयर करिए अपने सजेशन, आइडियाज एंड फीडबैक। अगर आपके पास मेरे चैनल के लिए या मेरे लिए कोई भी सजेशन हो या कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों के आइडियाज़ को जान के। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं कल आपसे अपने एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।